उठने बैठने में परेशानी होती है, कमर में दर्द रहता है। कमर में दर्द के साथ साथ पैरों में भी दर्द सुन्नपन रहती है, नसें खींचती रहती हैं, नसें दब रही हैं या नसों में ब्लॉकेज देखी जाती है। इससे हाथ पैर में सुन्नपन भी हो जाता है, झंझनाहट भी होती है, काफ़ी परेशानी होने लगती है। और भी अन्य इसके कई सारे लक्षण शरीर में दिखाई देते हैं। तो अगर आपको भी इस तरह की परेशानी है तो मैं आज आपको बहुत ही असरदार एक उपाय बताने वाली हूँ। यह उपाय अगर आप करना शुरू कर देंगे तो आपके शरीर की या जो जितनी भी नसें ब्लॉक हैं वो सारी ही परेशानियों से आप छुटकारा पा लेंगे। और यह बिल्कुल ही घरेलू उपचार है, आप इसे घर में ही कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नसों में ब्लॉकेज है या नहीं, ये कैसे हम पता करें। जब भी हमारे शरीर में नसें ब्लॉक होने लगती हैं या नसें दब जाती हैं या नसें कमज़ोर होने लगती हैं तो शरीर में बहुत सारे लक्षण दिखते हैं, जैसे कि आपको बार बार सिर में दर्द आने लगना, चक्कर आने लगना, कमजोरी का एहसास होना, जैसे ही आप सीढ़ियाँ चढ़े उतरें सांस बहुत तेज फूलने लग जाना, हाथ पैर में अचानक से दर्द होने लगना और कभी कभी वेरिकोज वेन की भी समस्या पैरों में दिखी जाती है। यहाँ तक कि अगर आपकी नसें ब्लॉक हो रही हैं तो आपके कमर में भी दर्द देखी जाएगी। कमर में बहुत ज़्यादा सुन्नपन महसूस होता है और झंझनाहट भी लगती है। तो ये सारे ही जो शुरुआती सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, वह नसों के ब्लॉक होने के होते हैं। तो इनमें से कोई भी लक्षण अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप आज की वीडियो अवश्य ही देखिए। अब हम जान लेते हैं कि नसों में जब ब्लॉकेज होती है तो इसे कैसे दूर करें, इसके लिए क्या क्या कारण होता है, यह जानना बहुत आवश्यक है। जो भी व्यक्ति ज़्यादातर भारी काम करते हैं, भारी वजन उठाने का काम करते हैं, या महिलाएं झुककर काम करती हैं, यानी झाड़ू लगाने का काम करती हैं, झुककर करती हैं, झुककर कोई सामान उठाती हैं, झुककर बच्चों को गोद में उठाती हैं, तो ये सारे जो कारण होते हैं वह होते हैं अचानक से झुकने पर नस जो हैं वो खींच जाती हैं और जिससे नसों में दर्द की शिकायत देखी जाती है। या कभी भी हो सकता है नसों में जो दर्द होती है या ब्लॉकेज होती है, न दब जाती है, वह सोते सोते भी हो सकती है। अगर हम बहुत ज़्यादा मुलायम गद्दे पे सो रहे हैं या बहुत ज़्यादा हार्ड यानी सख्त गद्दे पे भी सोते हैं तो भी यह समस्या देखी जाती है। नसों में ब्लॉकेज होने का कारण जो होता है वह मोटापा भी होता है। अगर शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा चर्बी बढ़ती जा रही है तो भी नसों पे दबाव पड़ने लगता है और जो नसें हैं वो धीरे धीरे हमारी दब जाती हैं या ब्लॉक होने लग जाती हैं, जिससे कई सारे लक्षण होने लगते हैं। अगर वक्त रहते हुए भी हम नसों की ब्लॉकेज का इलाज नहीं करें, गंभीर समस्या भी दे सकती हैं, जैसे कि पूरे शरीर में सुन्नपन हो जाना, पैरालिसिस तक का भी जो लक्षण है वह नसों के ब्लॉकेज की वजह से भी होता है। अगर आप नसों के ब्लॉकेज के लिए कई सारे अभ्यास कर रहे हैं, योगाभ्यास कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ आज जो मैं आपको घरेलू उपचार बता रही हूँ उसे आप अवश्य ही करें। साथ में मैं आपको एक एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यह घरेलू उपचार हमें किस प्रकार से तैयार करना है। यह घरेलू उपचार जो मैं आज बता रही हूँ गर्मी के मौसम में बहुत फ़ायदेमंद है। गर्मी के मौसम में हम जो पानी पीते हैं वह मटके का पानी अगर हम पीते हैं तो इसमें अर्थन एलिमेंट होता है और यह अर्थन एलिमेंट जो होता है वह हमारे शरीर में, पूरे ही शरीर में जो क्षारीय प्रवृत्ति होती है, यानी अगर शरीर में बहुत ज़्यादा एसिड बन गई है तो यह सबसे पहले उसको कम करने लग जाता है। और मिट्टी में कई सारे न्यूट्रिशन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ मिट्टी से ही हमारे शरीर में आते हैं, तो यह उस मिट्टी वाले पानी से हमें मिल जाती है। और यह दूसरा नंबर जो फ़ायदा होता है वह मिट्टी के बर्तन यानी मटके के पानी पीने से शरीर ठंडा रहता है। पानी की कमी हो जाने की वजह से भी गर्मी के मौसम में खासकर शरीर में क्रैम्प, दर्द की शिकायत हो जाती है, तो इसीलिए आपको सबसे पहले मिट्टी का एक बर्तन ले लेना है। मटके हर घर में ही होंगे, नहीं हैं तो आप आज ही उसे लेकर आ जाइए। अब इस मटके में आपको डाल देनी है सबसे पहले अजवाइन।
अजवाइन आपको डालनी है छोटे चम्मच से आधा चम्मच। अजवाइन जो होती है वह वात की समस्या को दूर कर देती है। अब वात के बिगड़ जाने से जोरों में दर्द के साथ साथ नसों में ब्लॉकेज की भी समस्या देखी जाती है। कई बार यह हमारे सीने में अगर चली जाती है तो सीने में दर्द होने लग जाता है और सांस फूलने की भी समस्या यह दे देता है। और यह धीरे धीरे अगर हमारे सिर तक चली जाती है तो सिर में दर्द बना रहता है। वात के बिगड़ने से बहुत सारे लक्षणें दिखाई देने लग जाती हैं और शरीर को यह धीरे धीरे कमज़ोर करने लग जाता है। अजवाइन में जो होता है वह फायर एलिमेंट होता है, यानी अग्नि तत्व बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जिससे अगर आपके पाचन संबंधित कोई भी समस्या है तो अजवाइन आपके पाचन संबंधित समस्याओं को जड़ से ख़त्म कर देगा। इसीलिए अजवाइन का प्रयोग आपको अवश्य ही करनी चाहिए। अजवाइन के और भी कई सारे फायदे होते हैं, जैसे कि यह हमारे शरीर में गैस नहीं बनने देता है और साथ में वजन को भी संतुलित करने में यह बहुत मददगार होता है, दर्द को दूर कर देता है। इसीलिए अजवाइन को हमें अवश्य ही इसमें डालनी है। दूसरी जो सामग्री हम इसमें डालेंगे वह भी आपके घर में बहुत आसानी से मौजूद है, उसका नाम है अदरक। अदरक बहुत फ़ायदेमंद होता है दर्द को दूर करने के लिए। हम सभी जानते हैं कि अदरक जो होती है वह गठिये की जो समस्या है उसमें भी फ़ायदेमंद होती है, घुटने के दर्द में फ़ायदेमंद होती है या किसी प्रकार के भी दर्द में फ़ायदेमंद होती है। इसके साथ साथ शरीर में अगर बहुत ज़्यादा चर्बी इकट्ठा हो गई है जिसकी वजह से वो हमारे नसों में जाकर जमा हो जाती है, जिसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। ये एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है वह नसों के अंदर जाकर जमा होने लगने वाला एक प्रकार का फैट होता है, वसा होता है, और इसकी वजह से जो नसें होती हैं वो पतली होती चली जाती हैं। इसीलिए हमें अदरक का प्रयोग करना चाहिए। यह क्या करता है, उसको पिघला देता है जो हमारे अंदर वसा जमा हो गई है नसों में, और उसको हमारे शरीर से फ्लश आउट यानी बाहर निकाल देता है, जिससे नसें दोबारा से खुल जाती हैं और उसमें खून का प्रवाह अच्छे से होने लगता है और यह सारी तमाम समस्याओं को यह दूर कर देता है। अदरक जिनके भी शरीर में बहुत ज़्यादा मोटापा है उसको भी दूर करने में मदद करता है। यह सूजन की भी समस्या को दूर कर देता है। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है जिससे इन्फ्लामेशन वाली समस्याएं, जैसे कि आपके अर्थराइटिस की समस्या हो गई यानी गठिया की समस्या हो गई, हार्ट संबंधित यानी दिल के संबंधित कोई भी बीमारी, ब्लड प्रेशर की समस्या या फिर डायबिटीज की समस्या, हर तरह के रक्त संबंधित जो समस्या है उनमें यह बहुत फ़ायदेमंद होता है। अब अगले जो हम नंबर पे इसमें एक और सामग्री मिलाने वाले हैं वह है अलसी के बीज। अलसी के बीज को भूनना नहीं है यहाँ पर, कच्चा अलसी का बीज भी आप प्रयोग कर सकते हैं। एक चम्मच आपको अलसी के बीज लेनी है। अलसी में ओमेगा 3 होता है। ओमेगा 3 जो होता है वो हमारे शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, यह नसों को खोल देता है। नसें अगर कमज़ोर हो गई हैं तो यह सबसे अच्छा औषधि है और यह साथ ही साथ हमारे लिए एंटी एजिंग का काम करता है, शरीर को जल्दी बूढ़ा नहीं होने देता। इसमें पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी होता है जिससे यह हमारे सेल्स को रिपेयर करने में, बनाने में मदद करता है। अलसी बहुत तरीके से फ़ायदेमंद होती हैं, यह आपके जोड़ों के चिकनाई को बनाने में भी मदद करती है। इसीलिए अलसी के बीज का प्रयोग हमें अवश्य ही करनी चाहिए। लेकिन गर्मी का मौसम है इसीलिए आज जो तरीका बता रही हूँ इसे जानना आवश्यक है और मात्रा भी। तो सबसे पहले आपको आधा चम्मच ले लेनी है अजवाइन, और अदरक जो है वो आपको ग्रेट कर लेना है या इस तरह से ही 1 इंच का टुकड़ा आपको ले लेना है, और साथ में आपको 1 छोटी चम्मच से यानी 5 ग्राम के बराबर अलसी के बीज ले लेने हैं। अब यह तीनों को ही कूच लेना है हल्का, ध्यान से मटकी फूट ना जाए इसलिए आप इसको अलग भी दरदरा कूट कर फिर मटकी में डाल लें। अब इसमें आपको मिला देनी है कम से कम 10 गिलास पानी, यानी मटकी आप बड़े आकार का लें और 10 गिलास पानी के लिए यह रेशियो मैंने बताया है, जितनी मात्रा बताई है 10 गिलास पानी के लिए बताई है, मटके भर के आपको पानी यह भर लेनी है और यह प्रक्रिया को आपको रोज़ ही करनी है। रोज़ इसको आपको बदलना है, रोज़ ही मटकी को साफ़ करना है और रोज़ ही मटके के पानी को आपको इस तरह से पीना है, और इसको आपको कम से कम 9 घंटे के लिए छोड़ना है। तो इसलिए आप इसे रात को सोने से पहले कर ले और इसे रात भर इस मटकी के पानी को इसी प्रकार से छोड़ दे। सुबह जब उठेंगे तो आप इस पानी को पिए।
अगर आपको यह जो ऐसा ठंडा पानी होता है कि आपके शरीर को यह नुकसान नहीं करता, हल्का सा ठंडक देगा शरीर को, मिनरल्स मिल जाएगी, विटामिन्स मिल जाएगी और शरीर में जो नसें ब्लॉक हो रही हैं वह दूर हो जाएंगी। यकीन माने जो आप दवाइयां खा रहे हैं नसों को खोलने के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, या जो क्रैम्प हो रही है, दर्द हो रही है उसके लिए, कमर दर्द या यूरिक एसिड का बढ़ जाना, गठिए के दर्द, हर प्रकार की समस्या में यह आपको जड़ से ख़त्म करने में मदद करेगा और इसका कोई भी नुकसान नहीं है। अब इसे कितने दिन आपको लेना है, तो इस प्रक्रिया को आपको रोज़ नहीं करनी है, महीने में कम से कम आपको 10 दिन करना है। 10 दिन आप करके देखिए, आप देखेंगे आपके शरीर में चमत्कारी रिजल्ट मिलने लग गए हैं। और इसे आप बच्चों को भी दे सकते हैं, बुजुर्गों को भी दे सकते हैं, महिलाएं भी ले सकती हैं, हर कोई इसका फ़ायदा उठा सकता है और इससे अनगिनत फ़ायदे भी मिलते हैं। तो आज की जानकारी आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगी हो। अभी एक और जानकारी देने वाली हूँ, इससे पहले आप लोगों से एक विनती है कि इसको जल्दी से जल्दी शेयर कर दें ताकि यह सभी लोगों तक पहुँच जाएँ जो लोग परेशान हैं और दवाइयाँ खाते जा रहे हैं और उसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स उनको मिल रहे हैं, ताकि यह आसान से उपाय को वह कर सके और यह आपके टाइम को भी ज़्यादा नहीं लेगा। चलिए दूसरा उपाय मैं आपको बताती हूँ। दूसरे उपाय में आपको अपने हाथ के हथेली का इस्तेमाल करना है। इसके लिए आपको यह जो पॉइंट है इसको देखना है, हथेली के बीच में, जैसे यह आपकी दो उंगली है, यह दो उंगली है, इसके बीच में आप यहाँ पर ये वाले जगह को आप लेंगे और इस जगह पर आप पेन के या कलम जो हो, पेंसिल हो, उसके पिछले वाले हिस्से को इस प्रकार से रखेंगे और इसे दबाएंगे छोड़ेंगे, दबाएंगे छोड़ेंगे, नहीं तो आप अपनी उंगली से भी इसे दबाएं छोड़ें, दबाएं छोड़ें। इस प्रक्रिया को आप दिन में कभी भी, जब भी आपको वक्त मिलता है, कहीं भी बैठे हुए हैं, इसे आपको करते रहना है। दोनों ही हथेली में इसको आपको करनी है। इस प्रकार से करने से भी नसें जो ब्लॉक होती हैं वह खुलने लग जाती हैं। दूसरा जो तरीका है वह आपको मैं बता देती हूँ। इसमें आपको अपने हाथ को इस प्रकार से बंद कर लेना है, अंगूठे को नहीं बंद करना है और इस तरह से जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको इसे इस प्रकार से खोलना है, बंद करना है। देखिए जैसा मैं दिखा रही हूँ, ऐसे भी आपको करते रहना है। इस तरीके से करने से भी जो ब्लॉक नसें होती हैं वह खुलने लग जाती हैं और आपके शरीर में तमाम समस्याएँ दूर होने लग जाती हैं। नसों को खोलने के लिए एक व्यायाम मैं बता देती हूँ, वह सूक्ष्म व्यायाम है। यह आप सभी को करनी है, हर उम्र में इसे की जा सकती है, बहुत आसान व्यायाम है। उसके लिए आपको अपने हाथ को इस प्रकार से आगे कर लेना है और अपनी उंगलियों को बंद करना है, फिर खोलना है। यह जो होता है वह सूक्ष्म व्यायाम होता है और यह सूक्ष्म व्यायाम आपको हर तरीके से आपके शरीर को मदद करेगा नसों को खोलने के लिए। हमारे शरीर की जितने भी नसें नाड़ियाँ होती हैं वह हमारे हाथों में और पैरों से जुड़ी होती हैं, इसीलिए अगर हाथ में भी इस प्रकार से सूक्ष्म व्यायाम करेंगे तो आपकी जो नसें ब्लॉक हो गई हैं वह खुलने लगेंगी। अब इसे गोला गोला घुमाना है मुट्ठी बंद करके और फिर दूसरी तरफ से आपको घुमानी है। यह आप कहीं भी बैठे बैठे कर सकते हैं, अपने पैरों में भी आप इस प्रक्रिया को करना शुरू कर दें, आपकी नसें खुलने लग जाएंगी। आपके अगर कंधे में दर्द रहता है तो इस प्रकार से कंधे को भी घुमाएं, इससे भी आपकी नसें जो हैं वह खुलने शुरू हो जाएंगी। जानकारी को शेयर कर दीजिए, सभी लोगों को फ़ायदा मिलेगा और हमें कितने सारे ब्लेसिंग्स मिलेंगे। तो आज की जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक के बिना नहीं जाएं, अपना ख्याल रखें और सबसे ज़रूरी मुस्कुराना नहीं भूलें। शुक्रिया।